पोहरी मामा गार्डन में ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में जीतू पटवारी होंगे शामिल। ब्लॉक अध्यक्ष ने दी जानकारी। पोहरी मामा गार्डन में गुरुवार 11/1/2024 को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक रखी गई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से वार्ता की जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व मंत्री एवं विधायक जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री एवं विधायक रामनिवास रावत, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक सिंह सम्मिलित होंगे। बैठक को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी ब्लॉक अध्यक्ष आफाक अंसारी ने दी। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पौरी में आपकी कार्यकर्ता बैठक लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, आगामी जो हमारा पिछला विधानसभा चुनाव के बाद जो संगठन में परिवर्तन हुआ, उसको देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि शीर्ष नेतृत्व और हमारे जो मध्य प्रदेश के नेता हैं वो सब संगठित होकर संभाग स्तरीय दौरा करेंगे। इसी तारतम में 9 तारीख से ये इनका दौरा चालू होकर 12 तारीख में समाप्त होगा। उसको देखते हुए कल पौरी में हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी, पूर्व मंत्री लाखन सिंह जी, पूर्व मंत्री रामनिवास जी, आदरणीय हमारे नेता अशोक सिंह जी और हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय कैलाश कुशवाहा जी, सब लोग संगठित होकर कल पौरी में एक बैठक आयोजित की गई है, उसको बैठक को ली जाएगी। इस बैठक का क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, ये बैठक जब विधानसभा चुनाव के बाद आगामी लोकसभा नजदीक है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए और कार्यकर्ताओं में नए जोश और दम भरने के लिए ये बैठक ली जा रही है। चूंकि जीतू पटवारी जी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये लोकसभा चुनाव पौरी विधानसभा तो जीत कर जाएगी और ग्वालियर एक नए इतिहास रचने जा रहा है और उनके नेतृत्व में हम अपना सांसद बनाकर संसद भवन भेजेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी।